शार्क टैंक इंडिया में थर्ड एपिसोड में टोटल 3 पिक्चर आए। फर्स्ट पिक्चर थे एटमॉस्फेयर कम्बुचा के मालिक। इनके पास हेल्दी ड्रिंक्स थी अलग अलग फ्लेवर्स में, लेकिन एक बोतल का प्राइस 220 रुपए था। ये लोग स्टारबक्स में अपना सामान बेचते थे, तो प्राइस भी उसी के हिसाब से है। तो शार्क्स को बिजनेस तो पसंद आया और ड्रिंक्स का टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन उन्हें बिजनेस का एक्सपेंशन थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने ऑफर नहीं दिया। अगले पिक्चर थे स्टेज के फाउंडर। ये एक ऐप है जो मूवी और वेब सीरीज बनाती है हरियाणवी और राजस्थानी लैंग्वेज में। इनको पीयूष, अमन और नमिता ने मिलकर ऑफर दिया 75 लाख 0.6% इक्विटी के लिए और 75 लाख 18% के इंटरेस्ट पे लोन, तो टोटल 1.5 करोड़ रुपए का। थर्ड पिक्चर थे गिरगिट स्टार्टअप के फाउंडर्स। ये एक क्लोथिंग ब्रांड है जो बेसिकली किड्स के लिए सामान बनाती है। इनकी शूज और क्लोथ टेम्परेचर के हिसाब से कलर चेंज करते हैं। कंपनी का नाम सुनके अमन ने पीयूष को गिरगिट तक बोल दिया। इनके बिजनेस में इनको काफी प्रॉफिट है। जैसे ये लोग अगर 1000 रुपए का सामान बेचते हैं तो इनको उसमें से 800 रुपए का प्रॉफिट होता है। फिर नमिता ने 20 लाख का ऑफर दिया 20% इक्विटी के लिए और गिरगिट के फाउंडर्स ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। शार्क टैंक के सारे एपिसोड को 1 मिनट में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।